फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल पाठशाला। मैं हूँ डॉक्टर संगीता, प्रोस्टोडोंटिस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट आपके साथ, और हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वल ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर। हमारा डेंचर जो है उससे क्या क्या हो सकता है, उस डेंचर पहनने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग इल फिटिंग डेंचर, इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, अनक्लीन डेंचर, बहुत सारी चीजें जिससे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो प्लीज पहले की वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। डेंचर स्टोमेटाइटिस पता चलेगा, फ्लैबी रिज पता चलेगी, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्निंग माउथ सिंड्रोम की और गैगिंग की। रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें रेजिडुअल रिज रिजॉर्व होगी तो क्या इंप्रेशन टेक्निक है जो हम फॉलो करेंगे, और सारा का सारा रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन का थ्योरी पार्ट, इटियोलॉजी, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसके ट्रीटमेंट, उसकी सब चीज हम कवर कर चुके हैं, पैथोफिजियोलॉजी कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। तो हमारा बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, पेशेंट आता है बोलता है जैसे डेंचर पहनता हूं ना मेरा मुंह जलता है, और यूजुअली ये मेल पेशेंट्स नहीं है, ये पैनिक करने वाली फीमेल पेशेंट्स है। तो बेसिकली हमारी पोस्ट मेनोपॉजल 50 के इयर्स के बाद की जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो ये प्रॉब्लम लेके आती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनका म्यूकोसा एकदम हेल्दी लगेगा, और ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे पेन, सुबह में तो मैं आई थी जब तो उतनी नहीं थी, तो बोलती है उसके बाद दिन भर में मेरी जो पेन है वो बढ़ने लग जाती है। तो बर्निंग माउथ सिंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं, वो पेशेंट क्या बोलेगा, जैसे ही देखिए अगर माउथ बर्न कर रहा है तो हम लोग क्या होगा, जैसे ही वो हॉट स्पाइसी खाना खाएगा वैसे ही उसका मुंह और बर्न करने लगेगा। तो वो लोग बिल्कुल एकदम स्पाइसी खाना छोड़ देते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं और आपके पास आते हैं। और साथ में टेंशन भी एक फैक्टर है जो हमारा बढ़ाता है बर्निंग माउथ सिंड्रोम को, बीएमएस को। तो हम लोग क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं उसको, पेशेंट को बोलते हैं कि आप सोइए, खाइए, डिस्ट्रैक्टेड रहिए, मजे कीजिए। तो हम लोग एक साइकियाट्रिस्ट से कोलैबोरेट करते हैं, और अगर हम इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर देने का प्लान कर रहे हैं उस पेशेंट को, तो हम साइकियाट्रिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ हम लोग काम करते हैं आगे, और डेंचर में कोई भी करेक्शन होती है तो हम लोग करेक्ट करते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैगिंग की। गैगिंग जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस के वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपको एक्सप्लेन करने को कि गैगिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेशेंट आता है डेंटल क्लिनिक में, चेयर पे बैठता है, आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं, आप क्राउन कटिंग कर रहे हैं, टूथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद इंप्रेशन ले रहे हैं, या सीडी ले रहे हैं आप, इंप्रेशन ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट उल्टी करने लगता है। तो ये बेसिकली गैगिंग एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फॉरेन बॉडी को एंटर होने से, ट्रैकिया में बचा रहा है। तो पेशेंट को उल्टी होने लगती है, तो पेशेंट का एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है, घर जाके पेशेंट बोलता है कि मेरा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, मुझे तो उल्टी आ रही थी और ये वो। इन सब से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि गैगिंग क्या होता है, गैगिंग क्यों होता है, और गैगिंग को करेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नया डेंचर का पेशेंट आ रहा है तो वो कोई सेंसिटिव पेशेंट होगा जिसको गैगिंग शुरू में हो रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बाद में उसको गैगिंग हो। लेकिन अगर कोई पेशेंट पहले से डेंचर पहन रहा है, उसको पहले गैगिंग नहीं हो रही थी और बाद में गैगिंग होने लगी, इसका मतलब क्या, उसको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, उसको कोई एडिनोइड्स की डिजीज है, या फिर वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है या स्मोकिंग ले रहा है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइंड आउट करें कि क्या रीजन है वो जिससे हमारा गैगिंग हो रहा है, या पेशेंट ही बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। और बहुत सारे केसेस में आप नोट भी नहीं करते हैं, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हमारा इंप्रेशन मटेरियल को एनगल्फ करने से होता है, या फिर हम ध्यान भी नहीं देते कि क्लिनिक में स्मेल कुछ हो रही है, या फिर हमारे इंप्रेशन मटेरियल की स्मेल से भी पेशेंट को कभी कभी गैग होने लगता है। हाँ, उसके बाद उस केस में हम लोग इंप्रेशन मटेरियल बदल सकते हैं, या फिर हमारा कभी कभी गैगिंग में हमारा पेशेंट बहुत ड्रामेबाज और सेंसिटिव होता है, उस केस में भी हमारे गैगिंग हो सकती है। तो गैगिंग जो है उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैगिंग की अगर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो हम 5 पॉइंट्स में गैगिंग की ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है मेरा, वो मेरा है साइकोलॉजिकल, यानी कि साइकोलॉजिकल में मैं क्या करूंगी, साइकोलॉजिकल में मैं पेशेंट की साइकोलॉजी को ठीक करूंगी। यानी अगर पेशेंट के दिमाग में है कि मुझे तो उल्टी होगी ही होगी, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा ही होगा, तो उस केस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल कैसे करेंगे, मैं पेशेंट को रिलैक्स कराऊंगी, डिस्ट्रैक्ट कराऊंगी,
देखिए पेशेंट को रिलैक्स करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेशेंट को रिलैक्स कराने के लिए एक अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड करना, बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया वेंटिलेशन, सब कुछ अच्छा रहेगा तो पेशेंट रिलैक्स रहेगा, एकदम पैनिक नहीं करेगा। और दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, हम लोग रिलैक्सेशन की दो एक्सरसाइजेस होती है हमारी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, एक हमारी होती है हॉर्ड रेडिक एंड मर्फी, मर्फी वो बर्फी मूवी है ना, उसमें जो उसका नाम मर्फी रहता है वही मर्फी। तो हमारी हॉर्ड रेडिक एंड मर्फी, हॉर्ड रेडिक एंड मर्फी में क्या है, हम लोग कंट्रोल्ड रिदमिक ब्रीदिंग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी रिलैक्सेशन में और हमारा क्या आता है, बार्स भी, उसके अंदर हम लोग एब्डोमेन से ब्रीदिंग कराते हैं, रिलैक्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराते हैं। ये तो क्या रिलैक्सेशन करा रहे हैं, अब हम लोग डिस्ट्रैक्ट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि पेशेंट का ध्यान ना जाए कि उसको गैगिंग हो रहा है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंप्रेशन लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में पेशेंट को बोलते हैं कि नाक से सांस लेते रहो, ब्रीद लेते रहो और अपनी एक टांग को ऊपर हवा में करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, प्रोस्थेटिक कंसिडरेशन हमारा क्या होगा, क्या प्रोस्टो में हम लोगों को सिर्फ इंप्रेशन, इंप्रेशन में नहीं बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिससे क्या है हमारा गैगिंग होता है और हम गैगिंग को बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोस्टोडोंटिक कंसिडरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा ट्रे सिलेक्शन। तो हमारी जब ओवरसाइज ट्रे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ओवरसाइज ट्रे, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अपने कि वो क्या करते हैं, नंबर 4 साइज की ट्रे सबसे पहले डाल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी साइज की ट्रे से सबसे बड़ी साइज की ट्रे की तरफ जाते हैं, और जैसे ही जहां पे मुझे लगता है कि ये ट्रे एकदम फिट है तो वहां पे हम लोग रुक जाते हैं। तो ट्रे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हम शुरू में इनिशियली गैगिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पेशेंट का एक्सपीरियंस बुरा होगा ही नहीं। उसके बाद जो है हमारा, देखिए सिर्फ वो नहीं है, उसके बाद हमारा मटेरियल भी, अगर पेशेंट को मुझे पता है कि गैग हो रहा है, पेशेंट खुद से आके बोल रहा है या पेशेंट को गैग हो रहा है, उस केस में मैं क्या करती हूँ, एकदम अगर मैं अल्जिनेट इंप्रेशन ले रही हूँ तो आई नॉट टेक थिन मिक्स, नहीं लेते हैं हम लोग उस केस में। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि थिन मिक्स भी लेंगे और तो सेट करने में हमारा बहुत टाइम लेगा, तो मुझे एकदम ऐसा मटेरियल ऑफ चॉइस चाहिए मेरा कि वो एकदम फास्ट सेट हो, ठीक है, ताकि जल्दी से जाए पेशेंट के मुंह में, इंप्रेशन आए और निकल जाए, उतनी देर ना लगे कि गैग हो रहा है पेशेंट को। और एक्सेस मटेरियल जो फ्लो करता है ना सॉफ्ट पैलेट में, उससे बहुत ज्यादा एकदम अंदर इसोफेगस में अगर कुछ भी जाएगा सॉफ्ट पैलेट को, युवला के पास जाएगा, तो वो क्या होगा, बहुत गैग होगा। तो एकदम एक्सेस मटेरियल नहीं लेना है, जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही मटेरियल डालना है ट्रे में। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, या तो हम लोग लेते हैं लाइट बॉडी से इंप्रेशन ले लेते हैं, लाइट बॉडी में भी फास्ट सेट बना सकते हैं, अगर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हम लोग वाटर डाल दें तो हमारा लाइट बॉडी भी फास्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीपीएस रिकॉर्ड ना अंडर डैम करेंगे ना ओवर डैमिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रे को मॉडिफाई करते हैं। ट्रे को मॉडिफाई करने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए बहुत कुछ है इसमें। तो ट्रे मॉडिफिकेशन में हम लोग एक स्पेशल ट्रे बनाते हैं, जो कि हमारा क्या करेगी, गैगिंग को बचाएगी, मैक्सिलरी ट्रे। हमने इंप्रेशन कंपाउंड से इंप्रेशन लिया, कास्ट कोर किया, कास्ट में अंडरकट ब्लॉक किए, स्पेशल ट्रे बनाई, स्पेशल ट्रे 2-3 मिलीमीटर शॉर्ट रख दी हर जगह के वेस्टिब्युलर एक्सटेंशन से। इस ट्रे में हमने हैंडल नहीं बनाया, ठीक है, अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी बेस प्लेट वैक्स, जो हम लोग मॉडलिंग वैक्स लेते हैं, वो मैंने ट्रे के सुपीरियर बॉर्डर पे रखी और पीछे पोस्टीरियरली, ठीक है, पीपीएस तक, उससे वैक्स से एक तरफ की मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी से दूसरी तरफ की मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, जो मेरा पीपीएस एरिया है उसमें मैंने वैक्स डाल दिया। अब उस वैक्स के बीच में मैंने होल करके क्या किया, सलाइवा इजेक्टर डाल दिया, ठीक है। ये देखिए, ये अगर मेरी ट्रे है, ठीक है, पहले इतनी थी, तो ये मैंने वैक्स से एक्सटेंड करके इस पे मैंने बीच में क्या किया, होल करके एक सलाइवा इजेक्टर डाल दिया। अब ये जो वैक्स है इसको वैसलीन से कवर करके इसके ऊपर रेजिन लेके मैंने क्या किया है, अपनी डैमिंग डैम कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, अब मैं इस वैक्स को हटा दूंगी तो मेरा क्या हो गया, इस रेजिन के अंदर मेरा बीच में सलाइवा इजेक्टर रह गया। अब मैं क्या करूंगी, इंप्रेशन जो लूंगी ना, वो एक्सेस सलाइवा जो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो सलाइवा इजेक्टर साथ के साथ खींच लेगा। तो इस ट्रे से जो है हम लोग इंप्रेशन लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा बहुत सारी चीजें, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जेआर को भी मॉडिफाई करते हैं। जेआर को मॉडिफाई क्या करेंगे, हम जो हमारा
जो हमारा टंग का स्पेस है अगर उसको भी कम कर दूंगी मैं तो भी मेरा क्या होगा, गैग होगा. तो जो हमारी टंग की स्पेस है वो एडिक्वेट रखनी है. अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी प्रोस्टेटिक कंसिडरेशन की. तो हम लोग जब हम लोग पेशेंट को बहुत ज्यादा गैगिंग हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्बल टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, मार्बल टेक्निक है सिंगर्स की. गाना बजाते हुए नहीं मार्बल डालते हैं. ये क्या है, हमारा ली सिंगर एक वो था बंदा था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने पेशेंट को 5 मार्बल मुंह में रखने को दे दिए थे. अब मार्बल टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए दो चीजें, दोनों का दोनों अगर आप एक साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, एप्पल बे एंड बेस फिंगर मसाज. ठीक है, इसमें क्या करती हूं मैं, इसमें पेशेंट को बोलती हूं कि आप मसाज कीजिए सॉफ्ट पैलेट में उंगली से. तो उससे क्या होगा, जो मेरा सेंसिटिव एरिया है सॉफ्ट पैलेट का उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी. मार्बल सिंगर टेक्निक में क्या कर रहे हैं हम लोग, ली सिंगर ने दिया था इसलिए इसको मार्बल सिंगर टेक्निक बोलते हैं. इसमें हम लोग बेसिकली पेशेंट को मार्बल्स दे रहे हैं कि आप मुंह में रखिए. तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्रिलिक का जो बेस प्लेट है हमारा वो बना के दे देते हैं. उसमें दांत नहीं लगाए अभी, विदाउट दांत का जो हमने रिकॉर्ड बेस बनाया वो रिकॉर्ड बेस दे देते हैं. और फिर पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़े टाइम मार्बल्स को मुंह में रखिए ताकि वो यूज टू हो जाए. और जो है हमारा, अगर हम लोग मैंडिबुलर की बात कर रहे हैं तो जो लिंगुअल जो है हमारा उसमें छोटे से पॉलिश सरफेस की तरफ स्मॉल एक्रिलिक के बीड्स लगा के दे देते हैं. ठीक है, अब ये जो मैं रिकॉर्ड बेसिस, एक तो हो गया ये टेक्निक, उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, रिकॉर्ड बेसिस जो है मेरे वो मैं पेशेंट को ट्रेन करने के लिए दे दूंगी. यानी एक्रिलिक के जो मैंने रिकॉर्ड बेसिस बनाए हैं, एक्रिलिक के डेंचर बेसिस बनाए विदाउट दांत, बिना दांत के जो मेरे रिकॉर्ड बेसिस हैं पेशेंट, ताकि डेंचर बेस के यूज टू हो. ठीक है, ताकि पैलेट उसका यूज टू हो डेंचर के लिए. तो मैं रिकॉर्ड बेसिस बना के पेशेंट को पहले ही दे दूंगी, जब मेरा सीडी का अपॉइंटमेंट चल रहा है उसी बीच में मैं पेशेंट को दे दूंगी. और बोलूंगी पहले दिन 5 मिनट तक पहन के रखो एक बार, फिर दूसरे दिन 5 मिनट पहनो 2 बार, फिर तीसरे दिन 5 मिनट पहनो 3 बार, फिर 10 मिनट पहनो, ऐसे ऐसे करके वो यूज टू हो जाएगा, उसका पैलेट जो है यूज टू हो जाएगा डेंचर पहनने के. ठीक है, तीसरा मैं क्या करती हूँ, मैं अपना डेंचर ही बदल देती हूँ. यानी मैं रूफलेस डेंचर दे देती हूँ. रूफलेस डेंचर में मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जो उसका पोस्टीरियर एक्सटेंशन है वो पीपीएस तक नहीं करते हुए वो पहले ही खत्म कर रही हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ, डेंचर छोटा दे रही हूँ, डेंचर का सर्फेस एरिया कम कर रही हूँ. ठीक है, तीसरी चीज जो है ना, जॉर्डन अपनी ये मूवी है वो नादान परिंदे वाली, कौन सी मूवी है यार, उसमें उसका नाम शायद जॉर्डन रहता है ना. एनीवेज, तो हमारा जो तीसरा हाँ, उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे, चौथा मैट फिनिश डेंचर देते हैं हम लोग. हम जॉर्डन ने क्या बोला, बैक टू जॉर्डन, जॉर्डन ने क्या बोला, हम लोग जो पॉलिश सरफेस है ना हमारा अगर डेंचर का, तो वो क्या करता है, ज्यादा सलाइवा जो है इंड्यूस करता है. तो वो क्या बोलता है, अगर हम लोग मैट फिनिश डेंचर देंगे तो हमारा क्या होगा, सलाइवा कम बनेगा, तो हमारी गैगिंग की प्रॉब्लम कम होगी. यहां तक आया हमारा प्रोस्थेटिक पार्ट. हम लोग तीसरी बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल यानी ड्रग्स की. तो हम लोग अगर फार्मेकोलॉजिकल अगर हम लोग फार्मेकोलॉजिकल बात करते हैं तो हम एलए दे सकते हैं टॉपिकल, हम लोग लोकल एलए दे सकते हैं. ठीक है, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम इम्प्रेशन जो मटेरियल होता है उसमें मिक्स करते हुए हम लोग एलए मिला के मिक्स कर देते हैं. उसके बाद हम एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं पेशेंट को, सेडेटिव दे सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं. ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन दे सकते हैं. तो ये सारी कुछ हैं जिनसे नींद आ जाती है, तो ये सब दवाइयां हम देते नहीं है यूजुअली, लेकिन दे सकते हैं. उसके बाद हम लोग सर्जिकली भी करेक्ट कर सकते हैं. अगर मेरा पेशेंट का सॉफ्ट पैलेट जो है उसको मैं सर्जिकली करेक्ट करके क्या कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ और मैं छोटा कर देती हूँ, तो मेरा क्या होगा, गैगिंग बच जाता है. तो सर्जिकल भी करते हैं हम लोग गैगिंग में. ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्यूपंचर. जी यस, एक्यूपंचर से भी हमारी गैगिंग जो होती है वो कम होती है, ऐसा बोलते हैं. मैंने तो कभी एक्यूपंचर किया नहीं है, आप करके देख लीजिए और मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि अगर आपने एक्यूपंचर किया तो काम करता है या नहीं करता है. एक्यूपंचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्यूपंचर में 5 से 20 मिनट तक जो है ना हम लोग मसाज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड मेटाकार्पल के बीच में यहाँ पे, तो इतना तेज दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं और ऐसा दबाते जाते हैं दबाते जाते हैं दबाते जाते हैं जब तक कि 5 to 20 मिनट बहुत प्रेशर डालते हैं. अगर हम लोग इंप्रेशन ले रहे हैं तो बीच में असिस्टेंट को भी बोल देते हैं कि भैया तू दबा. ठीक है, तो ये जो है एक्यूपंचर का पॉइंट्स है. ऐसा अगर टेक्निक बोले एक्यूपंचर की,
तो यिंग टैंग टेक्निक है, हेगू टेक्निक है, और पता नहीं क्या क्या नाम है मुझे भी याद नहीं है तो, और निग्योम टेक्निक है, बहुत सारे एक्यूपंचर की टेक्निक्स हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं गैगिंग को बचाने के लिए। तो इसके साथ हमारा खत्म हो रहा है सीक्वेल ऑफ वेयरिंग कंप्लीट डेंचर्स, जिसमें हम अभी तक डेंचर स्टोमेटाइटिस पढ़ चुके हैं, हम फ्लैबी रिज पढ़ चुके हैं, बर्निंग माउथ सिंड्रोम पढ़ चुके हैं, RRR पढ़ चुके हैं, और फाइनली हमारा गैगिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स प्रोस्टो ही बोलना अभी, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे साथ और प्रोस्टो पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है इम्प्लांट पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और स्टे ट्यून्ड विद डेंटल पाठशाला।